और आज मेरी बालकनी पिंक ग्रीन कलर में है। एंड आपने नोटिस किया होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स, एंड ये कुछ इस तरीके की है। ये कुछ इस तरीके की है एंड इसका प्राइस, अब हम इसमें बात क्लेम, यहाँ पर मैंने मीडियम हाई वेलकम बैक टू माई चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड, और मैं हूँ सौम्या। तो आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। एंड आज मैं काफ़ी टाइम के बाद में आपके साथ में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई थिंक इट्स बीन अ मंथ, और इस बीच मैंने जो छोटे छोटे से शॉर्ट्स वीडियो शेयर करे तो मैंने व्लॉग क्यों नहीं शेयर करा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी टाइम हो रखा है मॉर्निंग के 11 बजे का और मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग, डस्टिंग, मोपिंग, इवन मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब सुबह का सारा काम हो चुका है। और अब मैं लंच की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। वैसे तो थोड़ा जल्दी है, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन राइस, और मैं आपके साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी से शुरू कर रही हूँ। मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे को मतलब सारा कुछ, नूडल्स, राइस, फ्राइड राइस, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं मंचूरियन राइस बनाने वाली हूँ। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप वीडियो में कंटिन्यू करिए, या फिर अगर आपको रेसिपी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं किचन में और अपना मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। और आज मेरी बालकनी पिंक पिंक सी हो रखी है, चारों तरफ पिंक पिंक से फूल खिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और आज का मौसम भी ठीक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। अभी 11 बजे का टाइम है तो इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है इस टाइम तक, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, हल्की फुल्की सी है, वो आप खुद ही देख सकते हैं। पर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी होने लगी है। और ये कुछ सब्जियां वगैरह रखी हैं जो मैंने सुबह वॉश करके रखी थी, तो अभी मैं इनको भी सारा कुछ अंदर रखूंगी। चलिए चलते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए अपना मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च। मैं ये सिर्फ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में लिया हुआ है। आप जैसे बना रहे हैं जितने लोगों के लिए उतना लें। और यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप किया हुआ है। यहाँ पर लहसुन को अभी मैंने सिर्फ पील ऑफ किया है, इसको मैं मंचूरियन में और राइस में यूज़ करूँगी। शिमला मिर्च यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉप करी हुई है। तो फिर चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो आज मैं इस चॉपर की हेल्प से सब्जियों को चॉप करूँगी। वैसे तो मैं हमेशा घस के बनाती हूँ, आप सब्जियों के घस भी सकते हैं, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी आप उसको ग्रेट कर सकते हैं कि दरदरी सी उसको ग्रेट कर लें। बट आज मैं यहाँ पे इससे बनाने वाली हूँ, तो मैं भी पहली बार ही इससे बना रही हूँ। एंड जब मैं इसमें डाल रही थी तो अभी भी मेरे को लग रहा था कि पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर नहीं होगा वैसा। बट मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बाकी का जो मिक्सचर होगा उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके ग्रेट कर लूँगी दरदरा सा, और फिर जैसे मैं हमेशा से बनाती हूँ उस तरीके से बनाऊँगी। मैंने इसको अच्छे से डाल लिया है और अब मैं इसको खींच रही हूँ ताकि सब्जियाँ अच्छे से ग्रेट हो जाएं। पर एक बार में तो नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी सी सब्ज़ी दिख रही है, और ऐसे में तो हमारे बॉल्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो फिर मैंने इसको दो बारी, तीन बारी मैंने जब इसको करा था तो फिर अच्छे से सब्ज़ियाँ, क्योंकि वैसे भी जब मैं नॉर्मल प्याज वगैरह करती हूँ तो बहुत बारीक सा चॉप हो जाता है, तो फिर इसके लिए मैंने करा था। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मैंने इसको चॉप कर लिया है और काफ़ी बारीक बारीक सा चॉप हो गया है। तो इसी तरीके से जो बाकी की सब्जियां बची हुई हैं उनको भी मैं चॉप कर लूँगी, क्योंकि मेरा ये चॉपर बहुत ज़्यादा छोटा है तो एक साथ इतनी सारी सब्जियां नहीं आ सकती हैं, क्योंकि अगर इसको बहुत ज़्यादा भर लो तो फिर वो चलता भी नहीं है। मैंने दो बार में करा हुआ है और बस इसी तरीके से मैं इनको भी चॉप कर लूँगी। आप गोभी वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मिक्सचर बन करके तैयार है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कॉर्नफ्लावर। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड करूँगी, और फिर इसके बाद में 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मैदा लिया हुआ है, और उसको भी इसको अच्छे से मिला देना है।
फिर इसके बाद में जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया हुआ है, आप नॉर्मल जिंजर गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास में पेस्ट था दैट्स वाई मैंने यूज़ कर लिया। और फिर इसके बाद में अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाऊंगी, देन इसके बाद में मैंने नमक मिलाया हुआ है। वैसे हम आगे और भी चीज़ें यूज़ करेंगे जिसमें नमक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कम नमक ही लिया है और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर रेडी है, तो हम इसके बॉल्स बनाएंगे। इस तरीके से मैंने बॉल्स बनाए हुए हैं और सारे बॉल्स हम बना लेंगे। हमारे कलरफुल बॉल्स बन करके तैयार हैं, तो अब हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में तेल डाल करके उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके बॉल्स डालेंगे, और बहुत ही धीरे से डालना है ताकि तेल हाथों में ना आए। सो एक एक करके यहाँ पर मैंने बॉल्स को डाल लिया है और इनको अब मैं फ्राई होने दूँगी। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पर मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करें। और इनको अच्छे से फ्राई होने दें, आप देख सकते हैं कि एक बॉल भी कहीं से नहीं टूटा हुआ है, कोई भी बिखरा नहीं है, एकदम सारे बॉल्स क्लियर हैं। और ये अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे, तो इसको चारों तरफ से पलट पलट के फ्राई करना है ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे, इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से बॉल्स हमारे ब्राउन हो चुके हैं। सो इसी तरीके से हम बाकी के बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारे बॉल्स एक साथ नहीं डाले थे, मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीच से फटने लगे। सो अब मैं यहाँ पर एक साथ सारे बॉल्स को डाल करके फ्राई कर लूँगी। हमारे बॉल्स बन करके तैयार हैं, अब हम आगे चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और उसके बाद में इसमें मैंने चॉप करी हुई हरी मिर्च डाली है, देन उसके बाद में मैं डालूँगी लहसुन, और इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है एक मिनट के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, उसको भी डाला है इसमें, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, और इसको भी एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है, तो इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देन मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को चॉप करके लिया हुआ है, तो उसको भी मैं इसमें मिला लूँगी, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रंच बना रहे। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर लिया हुआ है एक टेबल स्पून, तो उसको मिला लूँगी। एक टेबल स्पून यहाँ पर सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है, एक टेबल स्पून चिली सॉस है, और इन सबको अच्छे से मिला लेना है। देन यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून सेजवान सॉस लिया हुआ है, एंड ये रहा हमारा केचप, तो दो टेबल स्पून के अराउंड मैंने केचप लिया हुआ है, और इसको भी अच्छे से मिला लेना है। देन मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का यूज़ किया है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें पानी डाल करके इसका अच्छा सा घोल बनाया है, देन इसको मिला लेना है और एक बॉयल आने तक का वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ चुका है। तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, ड्राई रखना है, तो आप यहाँ पर पानी ना डालें, लेकिन मुझे ग्रेवी वाला बनाना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया। तो एक कप मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है, और फिर हम इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। सो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है, फिर हम इसमें थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि बॉयल आ जाए, और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपनी बॉल्स को मिलाएंगे, तो ये रही हमारी बॉल्स, अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉल्स को डाल दिया है, और फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम हाई ही रखा हुआ है,
और आप देख सकते हैं कि बॉल्स कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, यही मैं दिखा रही थी कि मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई है। और इन सबको मिलाने के बाद में बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ एक मिनट के लिए मैंने फ्राई किया था। और यहाँ पर हमारा मंचूरियन बन करके तैयार है। ये रहा मेरा आज का लंच, वेज मंचूरियन विथ फ्राइड राइस। राइस मैंने बहुत ज़्यादा मसाले वाले नहीं बनाए थे क्योंकि मैं मंचूरियन में काफ़ी कुछ मिला चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बॉल्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं, तो आ जाइए आप लोग भी। हेलो, मैंने आपसे दोपहर में बात करी थी और फिर उसके बाद में लंच वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी और मेरा मंचूरियन राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को सारा चाइनीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मंचूरियन राइस पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद में बनाया था, इससे पहले मैंने शायद लास्ट मंथ या उसके भी पहले बनाया था। अभी बीच में तो फिर मेरे को ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी अचानक से, तो हम लोग को जाना पड़ा था। बट अभी सारा कुछ ठीक है, हम वापस आ गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे से कंटिन्यू व्लॉग्स दे सकूँ। और मुझे आपके साथ में थोड़ा सा सामान शेयर करना है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। ये है वो सारा कुछ सामान जो मेरे को आपके साथ में शेयर करना है। इसमें से दो बॉक्सेस मुझे परसों रिसीव हो चुके थे और ये वाला कल ही हुआ है, तो इसे मैंने अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले तो ये बॉक्स है, ये purple.com से मंगाया है मैंने और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये है बायोटिक का नाइट क्रीम, जिसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक बार पहले, बट अभी मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं करा है। एक्चुअली मैं नाइट टाइम में सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बट अभी वो थोड़ी थोड़ी सी ठीक रहती है, मतलब स्किन उतनी ज़्यादा ड्राई नहीं लग रही है, दैट्स वाई मैंने क्रीम मंगाई हुई है। और इस क्रीम को मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। सो ये कुछ इस तरीके की है एंड इसका प्राइस है 230 रुपीज़। बट अगर आप वैसे भी कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिलता है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि कितने में, बट इसमें जो लिखा हुआ है वो 230 का है, पर मुझे इतने का तो नहीं मिला है, इससे कम का ही मिला है। एंड जो दूसरा है वो भी फेस क्रीम है, ये मैंने डे टाइम में यूज़ करने के लिए मंगाई है एंड ये गुड वाइब्स के हैं। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं ऐसा मैंने सुना है। मैंने गुड वाइब्स का सिर्फ सीरम ही यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है और इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। तो ये मुझे कैसी लगती है वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता सकती हूँ। एंड ये कुछ इस तरीके की है एंड इसका प्राइस है 225 रुपीज़। देन उसके बाद में ये सीरम रोज़ हिप का, जिसका मैं रिव्यू वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ एंड ये मेरा फेवरेट सीरम है। तो ये छोटू सा सीरम है एंड इसके साथ में ये ड्रॉपर। एंड जो अब नेक्स्ट है वो ये लाइनर मंगाया था मैंने, पर्पल कलर में है, लिप लाइनर वेट एंड वाइल्ड का है एंड इसका प्राइस है 195 रुपीज़। एंड ये हेयर सीरम है जो कि मैंने नहीं मंगाया था, मेरे को इन सब के साथ में फ्री में मिला हुआ है। इसको मैं ओपन करती हूँ। तो ये है वो सीरम जो कि गुड वाइब्स का है एंड इसमें प्राइस है 250 रुपीज़, पर ये मैंने नहीं लिया है, मेरे को इस सब के साथ में मिला हुआ है। और इसको मैंने आज तक कोई सीरम नहीं यूज़ किया है क्योंकि मुझे अपने बालों में सीरम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं इसको यूज़ करूँगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसा है।
सो ये थे कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो कि मैंने पर्पल से मंगाए थे, और ये मेरे को परसों रिसीव हुए थे, पर मैंने अभी तक इनको यूज़ नहीं करा क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ में एक बार शेयर कर लूँ और फिर उसके बाद में मैं इनको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो जो मैंने नहीं यूज़ करे हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि ये मेरे को कैसे लगे, और बाकी के वो जो दो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अब मैं आपके साथ में कुछ मीशो के प्रोडक्ट शेयर करूँगी। कुछ क्या, सिर्फ दो प्रोडक्ट ही हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी कुछ मंगाया हुआ है अपने लिविंग रूम को, थोड़ा सा मैं अपने लिविंग रूम का मेकओवर करने वाली हूँ, दैट्स व्हाई मैंने काफ़ी कुछ मंगाया हुआ है। तो वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो अभी उसमें डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो रही है, दैट्स व्हाई वो अभी तक आ नहीं पाए। तो जब जब आएंगे तो मैं आगे के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो चलो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, और मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से कुछ शॉपिंग करी हुई है तो मैं अभी बताती हूँ कि मेरे को कैसे लगे। तो ये जो पहली चीज़ है ये मैं देख चुकी हूँ, ये मेरे को परसों रिसीव हुआ था। ये है एक ड्रीम कैचर, एंड ये कुछ इस तरीके का है। मेरे को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एंड ये ग्रीन कलर में है। एंड आपने नोटिस किया होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मेरे घर में काफ़ी कुछ ग्रीन कलर का है, सो ये भी मैंने ग्रीन कलर का ही मंगाया हुआ है। एक्चुअली मैं मार्केट में भी गई तो मेरे को जब भी मिल तो मेरे को ये कलर नहीं मिल रहा था, बाकी तो मेरे पास है बट मेरे को इस कलर में नहीं मिल रहा था। सो ये फाइनली मुझे ग्रीन कलर में मिल गया, और ये काफ़ी क्यूट सा है। एंड एक ये बॉक्स है, इसको भी मैंने मीशो से मंगाया हुआ है, और इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है क्योंकि मुझे कल ही रिसीव हुआ था, फिर मैंने इसको रख दिया और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। सो ये कुछ पेंटिंग्स हैं, जो एक सेट है जो मैंने मंगाया हुआ है, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। इसमें से टोटल चार हैं, तो ये था सारा सामान जो कि मैंने मंगाया हुआ है, और इससे मैं अपने लिविंग रूम का मेकओवर करने वाली हूँ। तो जब मैं इसको सब चीज़ें यूज़ करूँगी, डेकोरेट करूँगी, तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी और फिर अच्छे से समझ में भी आएगा। एंड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से शॉपिंग करी है तो ये काफ़ी अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और जो ड्रीम कैचर है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने मीशो के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था बट मैंने अभी तक उससे कोई शॉपिंग नहीं करी थी, तो ये जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा रहा है मीशो के साथ में। एंड आगे मैं जो भी मंगाऊँगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आज मैंने आपके साथ में रेसिपी शेयर करी, एंड पीछे आप देख सकते हैं कि कितना सारा मैंने फैला के रखा है, वो सारा कुछ शेयर किया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड देख सकते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो वो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ इस टाइप के तो वो ऐसे ही हो जाता है। अब मैं ये सारा कुछ क्लीन करती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर के बाद में। अब भी हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम, और मैं हूँ अपनी बालकनी में, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम है, पर अभी शाम का टाइम हो चुका है। और मैं आज अपनी बालकनी की साफ़ सफ़ाई करने के लिए बैठी थी, और थोड़ा बहुत जो पेड़ थे उनको भी ठीक करना था, तो वही सारा कुछ मैं यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद में फिर मैं थोड़ी सी अपनी बालकनी की साफ़ सफ़ाई करूँगी।
मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।